सो हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुमित। तो हम आ गए फिर से अपनी पुरानी वाली SSB सीरीज में जिसका नाम है ऑल अबाउट SSB। बीच में कुछ वीडियोस में डिसकंटिन्यूटीज आ गई थी क्योंकि कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था, पर अब आपको रेगुलर वीडियोस आपके लिए मिलती रहेंगी। तो यार मैंने सोचा SSB है, SSB से पहले बता दूं मैं अपने बारे में थोड़ा सा, वैसे आप सब तो जान ही चुके हो, लेकिन यार मेरा नाम है कौशव श्रीवास्तव, NDA 145 में ऑल इंडिया रैंक 10 थी, और बाकी पढ़ लेना, मुझे लगता है कि मेरी ऑडियंस अब मुझे जान चुकी है। ठीक है, तो ये मेरी फोटो थी जब मैं कॉन्फ्रेंस दिन हुआ था, मेडिकल वाले दिन और उसके दिन जिस दिन कॉन्फ्रेंस डे होता है। तो आगे बढ़ते हैं यार, ये वीडियो अगर तुम्हें देखना हो, यार ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप मतलब देखना चाहो, मैंने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी, अभी इसमें रिसेंटली 100K प्लस व्यूज़ भी आए हैं, तो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी हेल्प करेगी। बाकी मैं जितना भी हो सकता है सब इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं यार। अब जैसे कि SSB होता है, तो यार SSB में ना 3 डेज बहुत होते हैं, जैसे कि एक होता है तुम्हारा साइक डे, फिर एक होता है तुम्हारा GTO और एक होता है पर्सनल इंटरव्यू। अब इनको तुम दो को देखोगे ना, तो इन दोनों में तुम्हारे पास उतना कंट्रोल होता नहीं कि तुम अपने आप को एक्सप्रेस कर सको अपने ही वे में, लेकिन ये पर्सनल इंटरव्यू एक सेक्शन होता है जिसमें आप अपने बारे में हर चीज़ वो बता सकते हो इंटरव्यूइंग ऑफिसर को जो आप बताना चाहते हो, प्रोवाइडेड कि आप इंटरव्यू को गाइड कर पाओ, आप इंटरव्यू को ले जा पाओ। ओके, तो मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोग को इस SSB सीरीज में पर्सनल इंटरव्यू को एस करना है। मैंने इसमें हर चीज़ कवर करने की कोशिश की है, द क्वेश्चंस दैट यू कैन एक्सपेक्ट, मेन चीज़ द क्वेश्चंस दैट यू कैन एक्सपेक्ट, ठीक है, अलग अलग चीज़ों में उसको बांटा है, सारे क्वेश्चंस के एग्जांपल दिए, कैसे उनको टैकल करना वो दिया है, और आई एम रियली श्योर कि अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाते हो, मैं कहूँगा कि इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर दीज क्वेश्चंस बिफोर हैंड, ये जो क्वेश्चंस है ना इनको पहले से ही प्रिपेयर कर लेना, अच्छे अच्छे आंसर खुद लिख लेना और लिख के अपने दिमाग में भी डाल लेना, क्योंकि इनमें से जो ये क्वेश्चंस हैं इनमें से मुझे पक्का श्योर है कि अराउंड 10-15 क्वेश्चंस तो मिनिमम सेम होने वाले हैं, मिनिमम ही सेम होंगे, मिनिमम है ये, और मैक्सिमम कितने जा सकते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये क्वेश्चन सेट मैंने काफ़ी सोचने के बाद बनाया है, तो आप इसको एंड तक देखिएगा। ओके, तो शुरू करते हैं यार। अब देखो ये पहले मैं बता दूँ, तुम्हारा जो इंटरव्यू होता है ना उसका डे बता दूँ, इंटरव्यू तुम्हारा डे 2 जैसे कि साइक डे से लेके डे 4 यानी कि आपका इन कॉन्फ्रेंस के एक दिन पहले तक कभी भी हो सकता है, आप GTO करके आते हो आपको उसके बाद हो सकता है, आपने साइक डे दिया उसके बाद हो सकता है, तो इसका कोई श्योर नहीं होता। ठीक है, अब मैं बता दूँ 90% ऑफ द क्वेश्चन जो आस्क होंगे तुम्हारे इंटरव्यू में वो तुम्हारे PIQ में होगा, PIQ जो आपने फर्स्ट डे पे स्क्रीनिंग होने के बाद किया था ना, मैंने स्क्रीनिंग तो करा दिया था, अब PIQ भरा था आपने, तो वो जो PIQ भरा था उसमें से ही क्वेश्चंस नो मैटर कहीं से भी उसी में से आते हैं। सो PIQ अपना अच्छे से सोच के जाना, ठीक है, PIQ मैं कहूँगा कि अपने पहले से, मैं तो नहीं कर पाया था प्रिपरेशन, लेकिन तुम लोग सोच के जाना कि PIQ में क्या क्या भरोगे, ज़्यादा ही मत बता देना PIQ में कि तुम्हें ही दिक्कत हो जाए, और कम भी मत लिखना कि ऐसा हो जाए कि इंटरव्यू के पास कोई ऑप्शन ही ना हो अलग क्वेश्चन पूछने के अलावा। ठीक है, ऐसा ना हो कि तुम्हारे PIQ से कुछ क्वेश्चन निकल ही नहीं रहा, ऐसे डल PIQ मत रखना, एक बेस्ट रखना जो तुम हो, अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखाने की कोशिश करना उसमें। ठीक है, तो क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन योर PIQ डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, ऐसा भी हो सकता है कि तुमने कोई चीज़ पढ़ा, मान लो तुम स्पोर्ट्स में अच्छे हो, तुमने लिखा हो कि मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, तो तुमसे पूछा जा सकता है कि बैडमिंटन के कोर्ट का साइज बताओ, बैडमिंटन में कुछ प्लेयर्स के नाम बताओ, तो इस तरीके से हो सकता है। अब इंटरव्यू में कुछ जो मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, ये आप लोग को वैसे तो पता रहता है लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, एक प्रॉपर हेयर कट होना चाहिए, ठीक है, जो भी बेड वेड सब शेप होनी चाहिए, लुक नीट एंड प्रेजेंटेबल, मेन चीज़ होता है आप प्रेजेंटेबल दिखो, जरूरी नहीं कि आप उसमें 10,000 का सूट पहन लो, मैंने लिखा भी देर इज़ नो 10,000 की सूट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, टाई भी ऑप्शनल ही होती है, मैं भी अपने इंटरव्यू में और कहते हैं मैंने टाई पहन के गया था, मैं लेके नहीं गया था, लेकिन हाँ मुझे याद है कि मैंने किसी से ले ली थी, बट टाई ऑप्शनल होती है। ठीक है, बस आपको चाहिए कि प्रॉपरली आयरन क्लोथ्स होने चाहिए, आपकी शर्ट, आपके पैंट, आपके क्लीन जूते होने चाहिए, और हाँ मेन चीज़ होती है आपकी पर्सनैलिटी, आप जब जाओ तो वहाँ पे धीरे धीरे नहीं, क्लियरली एंड लाउडली बोलना है। ठीक है, लिसन टू द क्वेश्चन, बस पहले क्वेश्चंस को सुनना, ऐसा होता है कभी कभी कि अभी मैं आगे बताऊंगा रैपिड फायर क्वेश्चंस कुछ होते हैं, तो जैसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछने शुरू करता है तो आप उसमें इंटरप्ट करते हो, ये मत करना, आप क्वेश्चंस को सुनना, ठीक है, ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है कि आप पहले सुन रहे हो। ठीक है, तो आगे करते हैं यार, टाइम अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स होता है, ठीक है, ज़्यादा इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा नहीं होता है किसी का इंटरव्यू कम मिनट में हुआ तो वो सेलेक्ट नहीं होगा, या किसी का ज़्यादा हुआ तो वो सेलेक्ट हो जाएगा, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द वे यू एज इट। ओके,
मेन चीज़ यार जो होता है ना, मुझे जो लगता है ये टफ नहीं होता, ठीक है, तुम्हारा GTO और साइक से ये आसान होता है, इसलिए क्योंकि तुम्हें पहले से ही काफ़ी कुछ पता है। GTO में आपको पता है, ठीक है, फिजिकल होता है, लेकिन वहाँ पे कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, लाइक थ्रेट एक्सरेट का किसी को नहीं पता होता। बट इंटरव्यू में आपको पता होता है आपने PIQ में क्या भरा, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर मैं करंट अफेयर और नॉलेज को छोड़ दूँ, नॉलेज पार्ट को, तो बेसिकली आपको इंटरव्यू का पूरा एक स्ट्रक्चर तो पता ही होता है, वो ऊपर नीचे हो सकता है उनको आपको प्रेशर में डालने के लिए, बट एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको ज़रूर पता होता है, ठीक है। एक जस्ट नॉर्मल सी, वो इंटरव्यू ऑफिसर भी पहले बोलते हैं कि इट्स जस्ट अ नॉर्मल कन्वर्सेशन, तो इसको ज़्यादा हाइप बना के मत जाना, ठीक है, कि हाँ ये होगा, अगर मैंने ये बोल दिया जवाब तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो सिलेक्शन होना होता है वो हो ही जाता है, ठीक है। अब यार जस्ट बी कॉन्फिडेंट, ठीक है, डोंट टेल लाइज, झूठ मत बोलना वहाँ पे, अपने आप को और बड़ा चढ़ा के मत बोलना, क्योंकि इंटरव्यू ऑफिसर को पता है कि आप कैसे हो। ही हैज़ सीन यू थ्रू आउट इन द 3 to 4 days, इंटरव्यू ऑफिसर ने देखा हो, लेकिन बाकी और लोगों ने देखा है। अब मुझे ये तो नहीं पता कि इन्फॉर्मेशन शेयर होती है कि नहीं, बट हाँ एक चीज़ मुझे SSB में ज़रूर पता है कि आप यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करके चलना, ठीक है। ये नहीं कि आपने कहीं कुछ और बोल दिया, यहाँ कुछ और बोला, वहाँ कुछ और बोला, ऐसा मत करना, एक यूनिफॉर्म लेके चलना। मेजर चीज़ की सच बोलना, ठीक है, तो याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। और देर विल बी अ सेट ऑफ रैपिड फायर क्वेश्चन, लिसन टू देम केयरफुली एंड आंसर कॉन्फिडेंटली, ठीक है। अगर ना भी कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, बट ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम। तो यार शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। तो यार कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने लिस्ट प्रिपेयर की है, मैंने अपने इंटरव्यू से, अपने दोस्तों के इंटरव्यू से बात की, फिर मैंने एक तरीके से एक प्रॉपर फॉर्मेट मिलाया कि हाँ तुम लोग इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाना, मतलब इन क्वेश्चंस को तुम्हें तो प्रिपेयर करना, इनके सारे के आंसर क्वेश्चंस सब करना। और ये सिर्फ NDA के लिए ही नहीं, ये हर एक SSB के लिए है, ठीक है। चाहे आपकी कोई भी एंट्री हो, TES की एंट्री हो, या फिर NDA की एंट्री हो, या फिर आप ग्रेजुएट होने की बात करो, SSB में इंटरव्यू के क्वेश्चन नॉर्मली सेम रहते हैं, ठीक है। तो पहले जैसे ही तुम अंदर जाओगे तो पहले ही तो तुम्हें शुरू नहीं कर देंगे, तो एक नॉर्मल इंट्रोडक्टरी टाइप क्वेश्चंस होगा, थोड़ा इनिशियल पार्ट ऑफ द इंटरव्यू, वेयर ही विल स्टार्ट इट ऑन अ मोर लाइटर नोट, ताकि आप कंफर्टेबल हो जाओ थोड़ा, ठीक है। स्टार्टिंग में जाते हैं थोड़ा डर बना रहता है ना, तो इस तरीके से, और ज़रूरी नहीं है कि ये भी होगा, ठीक है, लेकिन हाँ बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है। तो इंट्रोडक्टरी टाइप क्वेश्चन में ये तो पता ही होगा, आपका नाम, योर वाई दिस नेम, अपने नाम की मीनिंग जान लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस स्टेट से आते हो, सिटी से आते हो, प्लेस वेयर यू कम फ्रॉम, उसके बारे में कोई स्पेशलिटी, समथिंग दैट यू लाइक अबाउट योर प्लेस, दैट यू डोंट लाइक अबाउट योर प्लेस, व्हाट थिंग्स दैट यू वांट टू चेंज इन योर प्लेस, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। इन चीज़ों को प्रिपेयर करके आना, काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि तुमको सिटी के बारे में, अपने स्टेट के बारे में काफ़ी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। और जहाँ जहाँ भी आप रहे हैं, जैसे कि जैसे मेरा कॉलेज हिमाचल प्रदेश में था, तो मैं से हिमाचल प्रदेश के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप उसने स्टेट के बारे में, आप जहाँ जहाँ गए उसके बारे में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन रखना, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं यार। अब ये आते हैं पर्सनल क्वेश्चंस, ये नहीं कि इसी ऑर्डर में पूछे जाएंगे, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, मैंने एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन किया, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब जैसे कि पर्सनल में, क्या आपके फादर मदर का नेम, आपके सिस्टर ब्रदर का नेम, मीनिंग ऑफ देयर नेम, हाँ नेम की मीनिंग हमेशा प्रिपेयर करके आना, ठीक है। किसी का यूनिक नेम होता है, जैसे मेरा नेम कौस्तुब था, तो मेरे नाम की भी मीनिंग थोड़ी यूनिक थी, तो उन्होंने पूछा था, और पूछा ही नहीं, क्रॉस क्वेश्चन भी किया था। तो ये सब अपने बारे में प्रिपेयर कर गया ना, ये तो जनरल अवेयरनेस, मुझे लगता है इफ़ यू आर अवेयर अबाउट योर सेल्फ, तो ये तो आपको पहले से ही पता होगा। अब ये नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, हाउ मेनी सिबलिंग्स यू हैव, और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले क्वेश्चंस, ये प्रिपेयर कर लेना, पहले से ही मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। इन सब के जवाब मैं तो दे नहीं सकता तुम्हारी तरफ से, तो यू ऑल प्रिपेयर, और इनको प्रिपेयर, ऐसा नहीं होता इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन बहुत सही या बहुत गलत नहीं होता, दो एक्सट्रीम नहीं होते। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं हाँ जिन पे आप क्रॉस क्वेश्चन में फंस सकते हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप आंसर देने की कोशिश करना कि आप उस पर क्रॉस क्वेश्चन ना हो पाए, ठीक है, कंप्लीट आंसर देने की कोशिश करना, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ नो देन वाई, इफ़ येस देन हाउ डू यू मैनेज योर स्टडीज़ और वर्क विद इट, ठीक है। वॉट क्वालिटीज़ वुड यू लाइक टू सी इन योर फ्यूचर पार्टनर, अब ये मत सोचना कि इस तरह के क्वेश्चन आ नहीं सकते हैं, NDA में आ सकते हैं और पूछे भी जाते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि आपके कहते ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स के लिए हों, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ में कुछ गड़बड़ की थी तुमने, कोई मेमोरेबल मोमेंट कॉलेज लाइफ, ऐसे ही अगर आप हॉस्टल में रहे हो तो हॉस्टल में से आपने क्या सीखा है, आपके दोस्त कैसे थे वहाँ पे, और व्हाट वाज योर डेली रूटीन, तो इस तरीके के क्वेश्चंस, ये थोड़ी हो सकता है कि डू यू स्मोक और ड्रिंक एंड वाई, मतलब अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते, करते हो तो क्यों करते हो जबकि पता है कि गलत है, तो इस तरह के कोई क्वेश्चन। अब ये मत दिखा देना वहाँ पे कि हाँ मैं एकदम नशेड़ी आदमी हूँ, ठीक है, इसका आंसर यूजुअली नो ही रखना बाकी, बिकॉज यू ऑलवेज गो इन अ वेरी यंग एज, और अगर आपकी इतनी यंग एज में ऐसी हैबिट्स हैं तो फिर दिक्कत हो सकती है आगे, ठीक है। हु डू यू लाइक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको प्रिपेयर कर लेना। हु डू यू लाइक मोर, योर फादर मदर, ठीक है, ब्रदर या सिस्टर में से किसको लाइक करते हो ज़्यादा और क्यों,
इस क्वेश्चंस को पहले से अच्छे से प्रिपेयर करना, और योर रिलेशन विथ योर फादर योर मदर, ये कुछ मैं स्टार कर रहा हूँ क्वेश्चंस, इनके क्वेश्चंस होने चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे क्वेश्चंस कभी पूछे जाते हैं लेकिन ये दो क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार। अब आते हैं एजुकेशनल बैकग्राउंड पे क्वेश्चन। तो अपने बारे में आप एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में लिख ही चुके हो, लेकिन वो पूछेंगे, और मोस्टली होता है कि एजुकेशनल बैकग्राउंड के क्वेश्चन आपको रैपिड फायर में आते हैं। रैपिड फायर क्या क्वेश्चन होते हैं मैं अभी बताऊँगा आपको। ठीक है, तो इसमें करते हैं यार कि अपने स्कोर्स हमेशा याद रखना, हाउ मच डिड यू स्कोर इन क्लास 10th, इन 12th, इन ग्रेजुएशन, या फिर कोई भी अपने लास्ट एग्जाम दिया हो, प्रीवियस एनडीए के अटेम्प्ट्स हैं, ठीक है, उसमें कितने स्कोर किए, अपने प्री बोर्ड में कितने स्कोर किए थे, 9th, 11th, किसी का भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, और ये बनाने की कोशिश मत करना वहाँ पे कि अगर नहीं आ रहा है तो वहाँ पे ऐसे, मतलब तुम अपने आप से पहले से प्रिपेयर करके आना, जाना रिपोर्ट कार्ड खोलना, देख लेना, एक रफ नॉलेज बना लेना, ऐसा नहीं कि 96 अगर 95 बोल दो कोई दिक्कत हो जाएगी, बट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। अगर गुड स्कोर था तो क्यों था भाई, ऐसा क्यों आपके हमेशा गुड नॉलेजेबल थे आप, ऐसा क्या था आप में, या बैड स्कोर था तो इसका जस्टिफिकेशन रख लेना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि नॉर्मली बच्चों सारों के अच्छे गुड स्कोर नहीं होते। गुड स्कोर मतलब मैं 90 से प्लस मानूंगा, ठीक है, वैसे 92-93 अब तो 90 भी आ जाते हैं नॉर्मली, लेकिन बैड स्कोर का जस्टिफिकेशन जरूर रखना। ठीक है, ये मत बोलना कि मैं पढ़ता नहीं था, बट एक अच्छा जस्टिफिकेशन जरूर रखना। अगर कहीं मार्क्स डिक्रीज़ हुए हैं, जैसे कि आप 10th में थे और 12th में डिक्रीज़ हो गए, या 12th में अच्छे थे ग्रेजुएशन में डिक्रीज़ हो गए, या इंक्रीज़ हो गए, तो आपने ऐसी क्या चीज़ की कि आपके मार्क्स इंक्रीज़ हुए, आप पहले क्या गलती करते थे, या फिर डिक्रीज़ हुए तो क्यों हो गए डिक्रीज़, मतलब पहले तो आप अच्छे स्टूडेंट थे, अब ऐसा क्या हो रहा है, तो करते रहना ये चीज़ की प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे डिक्रीज़ हुए क्यों हुए, क्योंकि बिकॉज यू स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग अदर फील्ड्स, तो आप नॉर्मली इसमें कम टाइम दे पा रहे थे, तो ऐसे आप आंसर्स दे सकते हो। ठीक है, योर फेवरेट सब्जेक्ट्स एंड वाई, और जो फेवरेट सब्जेक्ट बताओ उसमें कमांड होनी चाहिए, ये नहीं कि अगर मैथ्स बोल दिया फिर मैथ्स आती नहीं, वो मैथ्स से क्वेश्चंस पूछ लेंगे वहाँ पे। सब्जेक्ट्स यू डिसलाइक एंड वाई, तो ये डिप्लोमेटिक आंसर देने की कोशिश मत करना। मैं अपने एंड से देखता हूँ कि मैं ज़्यादा डिप्लोमेटिक आंसर नहीं देता कि नहीं सर मुझे सारे सब्जेक्ट पसंद है, ऐसा नहीं। यू कैन गिव योर व्यू पॉइंट कि आपको नहीं पसंद है हिस्ट्री, नहीं पसंद तो आप बता सकते हो नहीं पसंद है, या मैथ्स नहीं पसंद है तो आप बता सकते हो कि आपकी मैथ्स नहीं पसंद है, क्यों नहीं पसंद है। तो जरूरी, और ज़रूरी ये नहीं होता कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट ना पसंद हो तो आप उसमें कमज़ोर हो, ऐसा नहीं होता कभी। ठीक है, नहीं पसंद है आप पढ़ते नहीं हो, लेकिन आपको एग्जाम के लिए तो पढ़ना ही पड़ता है। तो इस तरीके से इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट योर कॉलेज लाइफ, अबाउट योर स्कूल लाइफ, ठीक है, ये मेरे से क्वेश्चन पूछे गए थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टीचर्स यू लाइक्ड, टीचर्स यू डिड, मैं जो स्टार करता जा रहा हूँ ना उनको ज़रूर प्रिपेयर करके आना, और बहुत अच्छे से, इनके चांसेस बहुत हाई होते हैं। ठीक है, और ये तो आना ही आना है, ये दो क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। ठीक है, टीचर्स यू डिसलाइक्ड एंड वाई, टीचर्स यू लाइक्ड एंड वाई, अब ऐसा मत करें टीचर यू डिसलाइक क्योंकि वो डांटते थे, वो मारते थे, ज़्यादा होमवर्क देते थे, ऐसे मत। ठीक है, अपने हिसाब से आंसर प्रिपेयर कर लेना अकॉर्डिंग टू योर पर्सनल रिक्वायरमेंट्स। आपकी स्ट्रीम क्या है, आपकी ब्रांच क्या थी, वाई ऐसी ब्रांच आपने क्यों चूज़ की, या आपने अगर आप मैथ साइड से तो आपने 11th 12th मैथ्स क्यों चूज़ किया, PCM क्यों चूज़ किया, इस तरीके से आंसर्स होने चाहिए। ठीक है, वॉज इट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये डबल इंपॉर्टेंट, वॉज इट योर डिसीजन और योर पेरेंट्स डिसीजन, या समवन एल्सेस, जो भी आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, आपके घर में कोई बड़े हों, आपके बड़े भाई हों, चाचा चाची हों, तो उनका इन्फ्लुएंस कितना था इस पे, आपके डिसीजन पे, आपकी लाइफ मेकिंग डिसीजंस पे। तो ये स्पेशल अचीवमेंट्स अगर हों आपके रिलेटेड टू एकेडमिक्स, अगर आपने कोई ओलंपियाड वगैरह क्रैक किया, और हाउ डू यू मैनेज टू स्टडी देम जब आप बोर्ड्स पे फोकस कर रहे थे, इस तरह की क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वाई डू यू टुक अ ड्रॉप, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ड्रॉप लेते हैं ना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। वाई यू टुक अ ड्रॉप एंड वॉज इट सक्सेसफुल, सक्सेसफुल अब ये नहीं होता नॉट इन टर्म्स की आपने वो एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, ठीक है, हमेशा ड्रॉप ये सक्सेसफुल नहीं होता। सक्सेसफुल कभी ड्रॉप आप ऐसे भी कह सकते हो कि मैंने कुछ सीखा, इवन इफ़ यू डिडंट क्रैक दैट एग्जाम, या वहाँ नहीं पहुँच पाए जहाँ पहुँचना चाहते थे, फिर भी यू एंडेड अप इन अ वेरी गुड पोजीशन, ठीक है, कंपेयर टू व्हाट यू वर यस्टरडे। तो इस तरीके से आप मोल्ड करके आंसर दे सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फैमिली बैकग्राउंड पे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, जॉइंट फैमिली है कि न्यूक्लियर फैमिली है आपकी, क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर पॉकेट मनी, ये आता है क्वेश्चंस। ठीक है, आपको पॉकेट मनी कितनी मिलती है, और डू यू सेव, हाउ डू यू स्पेंड इट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन रिलेटेड टू योर फादर मदर ब्रदर सिस्टर, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि मतलब आपकी मदर क्या करती हैं, हाउ डू यू मैनेज विथ हर, मतलब आप क्या हेल्प करते हो उनकी, हाउ डू हेल्प योर फादर, हाउ डू हेल्प योर मदर, हाउ डू यू हेल्प योर ब्रदर या सिस्टर, कैसे आप हेल्प करते हो अपनी फैमिली में, और बड़ी चीज़ें, ठीक है, आप कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हो, तो ये नीचे आ गए। हाउ डू यू हेल्प योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स, हाउ डू हेल्प योर नेबर्स, हाउ डू इंटरेक्ट विद देम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक आर्मी ऑफिसर को ना इंटरेक्ट बहुत करना पड़ता है अलग अलग लेवल पे, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसका सोच के जवाब पहले से ही जाना। मैं ये क्वेश्चन बताने का मेरा मोटिव ही है कि वहाँ जाके आपको कोई नया क्वेश्चन ना लगे। अब सोचो तुम्हें ये क्वेश्चन पहले से ही पता है, तुम प्रिपेयर रहोगे ना, प्रिपेयर रहोगे तो वहाँ जाके अच्छे आंसर्स दोगे। तो ये होता है, हाउ मच इज़ योर फैमिली इनकम, इसके लिए एकदम प्रिपेयर रहना। ठीक है,
अच्छे से आपको पेपर होना चाहिए आपकी फैमिली इनकम क्या है, हाउ डू यू मैनेज विथ इट, व्हाट इज योर विच पर्सन इन योर फैमिली यू लाइक द मोस्ट, व्हाई डिसलाइक द मोस्ट, व्हाई डू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स मीट, इसका भी जवाब तैयार रखना, ठीक है। कुछ तार कर रहा हूँ मैं क्वेश्चंस, इनके जवाब तैयार रखना पहले से। ये क्वेश्चंस तार वो नहीं है जो ज़्यादा पूछे जा सकते हमेशा, वैसे इसमें से 90% क्वेश्चंस तो जो मैंने तार किए हैं वो हैं जो पूछे ही जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अगर पूछ लिए गए तो आपके पास वहाँ जवाब बताने को होते नहीं जल्दी, ठीक है। जैसे विच डू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स मीट ऑफन, अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों, क्योंकि वाई तो आना ही आना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े टफ हो जाते हैं वहाँ पे सोचना, तो मैंने पहले से कर दिया। और जो क्वेश्चंस मैंने बताए इनका स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये क्वेश्चंस बनाए, काफ़ी खुद भी सोचा तब ये बनाए। तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करेंगे पर्सनल इंटरव्यू में, और ट्रस्ट मी अगर आपका पर्सनल इंटरव्यू अच्छा चला गया तो हाफ द बैटल इज वन, बहुत इंपॉर्टेंट होता है पर्सनल इंटरव्यू। फिर यार फ्रेंड्स रिलेटेड क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपके लाइफ में जब आप एनडीए के लिए जाते हो या फिर किसी और भी के लिए जाते हो तो आप यूजुअली फ्रेंड्स से बहुत रिलेट करते हो, बहुत ही इंटरेक्ट करते हो, ठीक है। फैमिली मेंबर से भी ज़्यादा फ्रेंड्स से इंटरेक्ट करते हो, ऑनलाइन के लिए इसमें थोड़ा डिफरेंट हो गया है बट ऑफलाइन में होता रहता है। तो इनसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हाउ मेनी फ्रेंड्स यू हैव, अगर स्मॉल ग्रुप ऑफ फ्रेंड है तो क्यों, बहुत ज़्यादा फ्रेंड है तो क्यों, मतलब काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हो गया। और हाउ डू यू मेक न्यू फ्रेंड्स, व्हाट टाइप ऑफ फ्रेंड्स या पीपल डू यू मेक, फ्रेंड बनाने से पहले तुम कैसे दोस्तों को बनाना पसंद करते हो, किसी को भी फ्रेंड बना लेते हो या कुछ सोच के बनाते हो कि हाँ मतलब मैं इससे कुछ सीखना चाहता हूँ या इस तरीके से। व्हाट हैव यू लर्न्ड फ्रॉम योर फ्रेंड्स, योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, योर बेस्ट फ्रेंड एंड वाई, ऐसा भी पूछेंगे कि किस स्टेज पे वो बेस्ट फ्रेंड बना, इज ही इवन योर बेस्ट फ्रेंड नाउ, ऐसा भी बेस्ट फ्रेंड चेंज होते रहते हैं सिनेरियोज़ के हिसाब से, प्लेसेस के हिसाब से, जहाँ आप रहते हो उस हिसाब से। तो ये इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स यू डोंट लाइक, ठीक है, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आप पसंद नहीं करते, क्यों नहीं पसंद करते, उनमें ऐसी क्या क्वालिटी जो आप नहीं पसंद करते, कुछ क्वालिटीज़ जो अपने फ्रेंड्स से आपने सीखी हो। और डू यू हैव मोर फ्रेंड्स फ्रॉम दी अपोजिट जेंडर, अगर ऐसा है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों, अगर मतलब जैसे मेरे साथ था कि ये वाई डोंट यू हैव मोर फीमेल इंट्रैक्शन, या क्योंकि मैं बॉय स्कूल से तो मैंने बताया आर यू शाय और इस तरीके से। तो इन सब क्वेश्चंस आपको बचना पड़े, क्योंकि ये क्वेश्चंस फिर शुरू हो जाएंगे ना एक बार, अगर आपने ढंग से जवाब नहीं दिया स्टार्टिंग में तो ये क्वेश्चंस बहुत ही लंबे तरीके से इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपको फंसाते हुए चले जाएंगे, और फिर एक बार इंटरव्यू हाथ से निकलता है ना तो उसको लाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मैंने कहा है कि इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाना। एक बार अगर क्वेश्चंस को तुमने अगर 15-20 मिनट भी तुमने इंटरव्यू को अपने हैंडल में कर लिया ना, फिर तुम क्वेश्चंस को ले जाओगे। लेकिन अगर स्टार्टिंग से या कहीं भी इंटरव्यू हल्का सा भी तुम्हारे हाथ से निकला तो समझ लो फिर वो निकलता ही चला जाएगा, वो बचेगा नहीं। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डू यू हैव अपोजिट जेंडर फ्रेंड्स, फीमेल इंट्रैक्शन वाले फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव देन व्हाट कॉन्ट्रास्ट इज इन योर बिहेवियर टुवर्ड्स योर मेल या फीमेल फ्रेंड्स, क्या डिफरेंस आता है व्हेन यू इंटरेक्ट विद योर मेल एंड फीमेल फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है बिहेवियर इन सेंस, अब इससे पता चलता है कि आप क्या किस तरीके के इंसान हो, ठीक है। हाउ डू यू इंटरेक्ट विद द सोशल बींग्स अराउंड यू, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं यार हम लोग हॉबीज़ या इंटरेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन, आपकी क्या हॉबी है, ठीक है। हॉबी ज़रूरी नहीं कि आपकी कोई हॉबी हो, पहली बात तो मैं बता दूं, लेकिन अगर हॉबी हो तो आप बता सकते हो। एंड बी वेल प्रिपेयर्ड, ठीक है, बी वेल प्रिपेयर्ड अबाउट इट, क्योंकि फिर उनसे क्रॉस क्वेश्चंस होंगे आपके हॉबी से रिलेटेड, तो उनसे रहना। व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, वही हॉबी, उसी को तो कहते हैं हॉबी, बस दोनों का नाम ही अलग अलग है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन परसूइंग योर हॉबी, अभी अभी शुरू की या कुछ दिन पहले शुरू की थी। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम इट, डजेंट इट हार्म योर एकेडमिक या सोशल लाइफ, जो आप पढ़ते हो उसके बीच में तो नहीं आती, या आप फ्रेंड्स से इंटरेक्ट कर पाते हो कि नहीं अपनी हॉबी की वजह से। जैसे कुछ लोग की हॉबी हो सकती है कंप्यूटर गेम खेलना, तो उसके वजह से आप फ्रेंड्स से कम इंटरेक्ट कर पाते हो। अब ये मत कह देना वहाँ पे नहीं सर पबजी खेलता हूँ तो चार लोग से इंटरेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो हाउ डू यू मैनेज टाइम, वॉट टीवी या यू, ये बहुत आजकल इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वॉट टीवी यूट्यूब चैनल्स यू वॉच, वाई डू यू लाइक वॉचिंग मूवीज़, कौन सी मूवीज़ पसंद करते हो, कौन सी मूवीज़ पसंद नहीं करते हो, ऐसा क्या रीज़न है, लास्ट मूवी कब देखी थी, और थिएटर्स में कितनी बार जाते हो, व्हाट इज़ योर फ्रीक्वेंसी दैट यू गो आउट विथ योर फ्रेंड्स टू वॉच मूवीज़, फैमिली के साथ मूवीज़ देखने जाते हो क्या, क्यों नहीं जाते हो, तो इस तरह के, ठीक है। गेम्स या स्पोर्ट्स, अब इसके लिए तो तैयारी रहना, ठीक है, क्योंकि यू आर गोइंग इन आर्मी, यू आर गोइंग इन डिफेंस फोर्सेज, तो स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस तो आने ही आने, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि जो भी डिफेंस फोर्स में सेलेक्ट होते हैं वो स्पोर्ट्स में एकदम नेशनल लेवल हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। यू शुड बी फिजिकली फिट, ऐसा बस इतना होना चाहिए, और आपकी कोई हॉबी होनी चाहिए, आपको गेम्स खेलना चाहिए, अगर नहीं खेलते हो तो खेलना शुरू कर दो, ठीक है। क्योंकि वहाँ जाके झूठ मत बोलना कि सर मैं तुमने कभी बैडमिंटन पकड़ा भी नहीं, तुम कह रहे हो तुम बैडमिंटन खेलते हो, तो ही लास्ट क्यों, कैसे स्मैश मारते हैं या किस तरीके से कोर्ट का साइज़ क्या होता है, अब कोर्ट की लेंथ क्या होती है, व्हाट डिफिकल्टी यू हैव इन प्लेइंग अ ड्रॉप, तो इस तरीके से अगर पूछ देंगे तो तुम नहीं बता पाओगे, ऑब्वियस सी बात है, ये वही बता सकता है जो खेला हो। तो इस तरीके, ठीक है। अब जैसे गेम्स यू लाइक, व्हाई डू यू लाइक दैट गेम, विच यू डोंट लाइक, व्हाई यू डोंट लाइक दैट गेम,
एट वॉट लेवल हैव यू प्लेड, किस लेवल पे खेला है, स्कूल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, कोई स्पेशल अचीवमेंट है, इंडोर गेम ज़्यादा पसंद है कि आउटडोर गेम ज़्यादा पसंद है, क्यों, इसका जवाब याद रखना, ये चीज़ तुम स्टार कर लो, गेम्स यू लाइक वाई, ठीक है, हैव यू लेड योर टीम, कभी लेट किया क्या टीम ने, ये लीडरशिप क्वालिटी दिखाएगा, ज़रूरी नहीं कि आपने पहले से लीड किया हो लेकिन किया है तो वेरी गुड। वेर वर यू एवर द स्पोर्ट्स कैप्टन इन योर कॉलेज या स्कूल, विच प्लेयर्स डू यू लाइक, इंडियन प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स, तीन तीन प्रिपेयर करके जाना अपने स्पोर्ट्स से, डायमेंशंस एंड एवरी थिंग रिलेटेड टू योर स्पोर्ट्स यू प्ले, ठीक है, जो भी खेलते हो उसके बारे में अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। जस्ट मैं बता दूँ फुटबॉल है तो फुटबॉल के गोल पोस्ट की साइज़ क्या होती है, फुटबॉल के बॉल की रेडियस क्या होती है, यहाँ तक कि फुटबॉल में जो पेंटागन और हेक्सागन होते हैं ना, उस तरीके में वो कितने हेक्सागन होते हैं, कितना पेंटागन होते हैं, क्या रेडियस होता है, ये सब अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, ठीक है, तुम कोई भी एक पॉइंट छोड़ नहीं सकती, क्योंकि अगर इंटरव्यू को पता चला ना, बस उनको एक पॉइंट चाहिए, वो उस पॉइंट को ही खींच के तुम्हारा इंटरव्यू ख़राब कर देंगे, ठीक है, उनका काम ही है कि तुम्हें प्रेशर में डालना, तो इस चीज़ को करना। रीसेंट रिकॉर्ड्स या वर्ल्ड रिकॉर्ड तुम्हारे स्पोर्ट में, अगर मान लो तुम स्विमिंग करते हो तो जो रिकॉर्ड बना हो अभी, ठीक है, लेजेंड थे अगर माइकल फेल्प्स, तो उनका क्या रिकॉर्ड था, कैसे तोड़ा, इस तरीके से रूल्स ऑफ द गेम ये तो पता ही होना चाहिए, खेलते हो तो रूल्स ऑफ द गेम तो पता ही होंगे, हाउ इज़ इंडिया और योर स्टेट परफॉर्मिंग इन योर स्पोर्ट, हाउ डू यू थिंक यू आर गोइंग टू इम्प्रूव योर गेम, ऐसी क्या है, ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट के जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हाउ डू यू थिंक यू आर गोइंग टू इम्प्रूव योर गेम, कुछ तो कमी होगी गेम में, परफेक्ट होगे नहीं, कैसे इम्प्रूव करोगे, क्या सोचा है तुमने और कितना वर्क कर लिया अपने गेम पे, इस तरीके से। अब यार आती हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर को करिकुलर एक्टिविटीज़ वाले रिलेटेड क्वेश्चन, जो लीडरशिप होते, जैसे तुम्हें कोई सिचुएशन दे देंगे, ठीक है, जैसे कि इमेजिन करो एक फायर लग गई रूम में, इस रूम में जिसमें बैठे हो, इस रूम में फायर लग गई, देर इज़ नो लाइट, हाउ डू यू सेव योरसेल्फ, हाउ डू यू सेव अदर्स, गिव मी फाइव यूजेस ऑफ द पेन, ये अगर आंसर आता हो आप लोग तो नीचे कमेंट में करना, ठीक है, और वर यू इन NCC, ग्रेड ऑफ द सर्टिफिकेट, व्हाट आर योर व्यूज ऑन टेररिज्म, इस तरीके के क्वेश्चन, अब इस तरह के क्वेश्चन आना शुरू होंगे, तो इनमें ये श्योर नहीं कि इस तरीके के आएंगे, लेकिन एग्जांपल इसमें कोई नहीं बता सकता कि इंटरव्यू कैसे क्वेश्चन पूछेगा, चाइनाज अग्रेशन ऑन बॉर्डर स्टेट्स, कोविड सिचुएशन, वुमेन एम्पावरमेंट, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है इस समय, तो ये आ सकते हैं, टेल मी फाइव इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड टू योर स्टेट, इंडिया, इंटरनेशनल, नेशनल, योर स्टेट न्यूज़, और लोकल न्यूज़ भी बताना हो सकता है, व्हाट द रैंक स्ट्रक्चर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, रेजिमेंट यू वांट टू जॉइन बाय, ये प्रिपेयर करके रखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, इफ ये क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन का जो जवाब दोगे, मुझे मतलब मुझे तो लगता है कि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते ही नहीं है, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स इफ़ यू डोंट गेट सिलेक्टेड टूडे, ठीक है, इसका बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखना, यू शुड ऑलवेज हैव अ प्लान बी, ठीक है, वो नहीं चाहते कि कोई ऐसे बंदे को ले लें जो सिर्फ आर्म्ड फोर्सेज पे ही हो, ठीक है, तो इसका एक अच्छा जवाब सोच के बढ़िया से अपने अकॉर्डिंग, किसी का कॉपी मत करना, क्योंकि उनको पता होता है, उनके पास रोज आते हैं कैंडिडेट्स, उनको पता होता है कि कौन सी चीज़ें कोचिंग इंस्टीट्यूट सिखाती हैं, अपने हिसाब से जो तुम सोचते हो, जो तुम दिल से सोचते हो उसको लिखना है यहाँ पे, ठीक है, और टेक्निकल या प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं यार, ठीक है, अगर तुम किसी टेक्निकल एंट्री में जा रहे हो तो बेसिक टेक्निकल एंट्री में क्या NDA में पूछने हैं, ठीक है, तो ऐसा मत सोचा टेक्निकल एंट्री में, लेकिन टेक्निकल एंट्री में ज़्यादा पूछ देते हैं, बेसिक नेटवर्क क्वेश्चंस होते हैं यार, जो कंप्यूटर में नेटवर्क्स होते हैं, WWE, HTTP, इस तरह से, फिजिक्स के प्रिंसिपल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर ब्रांच, योर स्ट्रीम, ग्रेजुएशन जिसमें किया, हाउ डज अ बॉल स्विंग, हाउ डू एयरक्राफ्ट फ्लाई, शिप फ्लोट क्यों करती है वाटर पे, दोस्त की कैरिंग कैपेसिटी इतनी कैसे होती है जबकि डेंसिटी ऑफ शिप तो ज़्यादा होती है, मतलब डेंसिटी ऑफ आयरन जिससे बनी होती शिप वो तो ज़्यादा होती है वाटर से, तो डूब क्यों नहीं आती, सबमरीन कैसे फंक्शन करती है, बर्नौली प्रिंसिपल, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये जो क्वेश्चंस है ना इनको तो मिनिमम प्रिपेयर कर लेना, ये मैंने ऐसे ही नहीं लिख दिए एग्जांपल के तौर पे, हाँ मैंने को फिजिक्स आती मैंने लिख दी, ये सोच के लिखें, क्योंकि ये सब वो प्रिंसिपल है जिन पे बेस्ड होते हैं तुम्हारे आर्मी के इक्विपमेंट्स, आर्मी के बैटल टैंक्स और सबमरीन, तो इनको प्रिपेयर करके अच्छे से जाना, न्यूटन्स लॉज ये तो पता होगा, मतलब तो सबको आता है, और हाउ कैन योर नॉलेज या स्ट्रीम या ब्रांच बी इफेक्टिव इन डिफेंस फोर्सेज, इसको अच्छे से याद करना, ठीक है, याद करके मतलब पढ़ के अच्छे से जाना, जब मैं कहता हूँ ना कि पढ़ के जाना तैयार करना, इसका मतलब ये नहीं कि आप A to Z रट लो उसको, ठीक है, इज एंड द के साथ याद करो, ऐसा नहीं, बस पॉइंट्स दिमाग में रखना कि वहाँ जब तुम पॉइंट्स दे रहे हो ना तो वहाँ भूलो नहीं अपने पॉइंट्स और अपने बेस्ट पॉइंट्स सामने रख पाओ, समझ रहे हो, मेरा पर्पज़ ये नहीं कि आप यहाँ पे एक रट्टू तोता बन के चले जाओ वहाँ पे उगल दो, वो उनको पता चल जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर आप पॉइंट्स रखोगे दिमाग में, मेन चीज़ होती है पॉइंट्स रखना दिमाग में, ताकि कोई पॉइंट भूलो नहीं, आपके आंसर में एक क्रिस्पनेस लगे कि हाँ बंदा टू द पॉइंट बात करता है, एक क्लैरिटी दिखे आपके माइंड में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी होती है, ठीक है। अब जो भाई सबसे ज़्यादा बढ़िया मेरे को लगता है और सबसे खतरनाक भी लगते हैं वो है रैपिड फायर क्वेश्चंस। रैपिड फायर क्वेश्चन में क्या होता है यार, इंटरव्यूअर ऑफिसर विल आस्क यू अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस,
चीज इन अ सिंगल गो, ठीक है, तुम उसके बीच में आंसर दे सकते हो, मतलब ये इस तरीके से पूछना शुरू कर देंगे कि तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर फैमिली इनकम, हाउ डू यू गो फ्रॉम हियर, यहाँ से कहाँ से आए थे, इस तरीके से लगातार क्वेश्चंस होंगे और ट्रस्ट मी इसमें प्रेशर बहुत बनता है, ठीक है। इसकी कुछ ट्रिक्स होती हैं मैं बता दूंगा, लेकिन इसको अच्छे से प्रिपेयर करने की कोशिश करना, क्योंकि ये तो आएंगे ही आएंगे भाई, ठीक है, ये आने ही आने हैं। विच यू हैव टू रिमेंबर एंड आंसर इन द सेम ऑर्डर, नॉट मैंडेटरी अनटिल स्पेसिफाइड, सेम ऑर्डर में कह सकते हैं वो कि कहते हैं ना, मेरे जैसे था कि लास्ट था मेरा रैपिड फायर, तो उन्होंने कहा 17 मतलब 12-15 क्वेश्चन पूछे और फिर उन्होंने कहा कि हाँ नाउ कॉस्टो आंसर इन दैट सेम ऑर्डर इन विच आई आस्क्ड यू फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। तो ये एक ही में था, बाकी तीन में आपको सारे आंसर देने होते हैं, बट योर ऑर्डर इज नॉट डिफाइंड कि आप किसी भी आंसर में ऑर्डर में दे सकते हो। जस्ट ट्राई टू आंसर एज मच क्वेश्चन एज पॉसिबल विदाउट लिविंग एनी क्वेश्चन, ठीक है, एक नॉर्मल आइडिया बना लेना। रैपिड फायर क्वेश्चन का मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि यूजुअली आसपास रिलेटेड ही होते हैं, ठीक है, अगर रैपिड फायर क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तुम्हारे पर्सनल इंटरव्यू पे ही आएंगे, मतलब पर्सनैलिटी पे ही आएंगे कि हाँ अपने फैमिली के बारे में बताओ, अपने फ्रेंड्स के बारे में बताओ, और उन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करते रहेंगे, समझ रहे हो। और क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने टोटल पूछे ना वो गिन लेना, जब ये गिन लेते हो ना तो तुम्हारे माइंड बन जाता है हाँ मुझे इतने आंसर देने हैं, तो तुम याद कर लेते हो। क्वेश्चन जो होते हैं शॉर्ट होते हैं, सिंपल होते हैं एंड रिलेटेड टू वंस पर्सनल लाइफ, जैसे मैंने कहा था। और फनी पार्ट इज आई विल कंटिन्यूसली आस्क क्वेश्चंस फॉर अ मिनट और सो, ठीक है, ये पार्ट ऐसा होगा कि इसमें आई यू आपसे एक मिनट में क्वेश्चंस पूछ देगा, फिर द रेस्ट 15 मिनट्स जो आगे के 5-10 मिनट होने वाले ना, वो आप ही आंसर देते रहोगे सोच सोच के। एंड ही विल आस्क यू, हाँ तुमने सही बताया, तुमने सारे बताया क्या, तुमने ये किया क्या, वो किया क्या, तो इस तरह से होंगे, ठीक है, वो डरना मत वहाँ पे। यार सैम्पल रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इस तरीके से हैं, यूजुअली विल बी आस्किंग 12-18 क्वेश्चंस इन वन गो, इनको प्रिपेयर करना। प्रिपेयर क्या मतलब, इनको क्या प्रिपेयर करोगे, ये पहले से प्रिपेयर है तुम्हारे वैसे, प्लेस यू कम फ्रॉम, कॉलेज स्कूल लाइफ 10th क्लास, तो ये आप ये देख लेना, ठीक है, विच सब्जेक्ट यू स्कोर्ड मैक्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक किए तुमने, कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक किए, और थ्री थिंग्स अबाउट यू, व्हाट कैन अदर्स लर्न फ्रॉम यू, हाउ मेनी फैमिली मेम्बर्स आर देयर, हाउ डू यू स्पेंड योर पॉकेट मनी, तो why BTech, BSc या BA, how can your stream be helpful in defense forces, ये मैंने पहले बता दिए, तो इनको प्रिपेयर करके ले रखना, ठीक है। ये बस रैपिड फायर में आ जाते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। बाकी यार रैपिड फायर में तैयारी रखना अच्छे से, तुम्हारे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे, जैसे क्वेश्चन तुम्हारे होंगे कि ज्योग्राफी पे, हिस्ट्री पे रिलेटेड, डेट से रिलेटेड, ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंडिया का मैप बहुत अच्छे से तैयार करके रखना, जो भी करंट में, जैसे कि इस समय ताजिकिस्तान बहुत न्यूज़ में है, तो उसके बारे में बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, NDA 146 वाले या 147 वाले जिनका भी SSB है, FCAT वगैरह वाले, तो ताजिकिस्तान बहुत न्यूज़ में है, अफगानिस्तान से कहते हैं अमेरिका ने अपने आप को विड्रॉ किया, तो ये चीज़ न्यूज़ में है, तो करंट अफेयर्स की एकदम अच्छे से नॉलेज रखना, और अपने इंडिया की बेसिक मैप की नॉलेज रखना बहुत अच्छे से, और आई एम वेरी श्योर कि आप इंटरव्यू बहुत अच्छे से दे के आओगे एंड यू विल बी कॉन्फिडेंस इन, और आप ऑफिसर्स बनोगे, ठीक है। और जो भी है यार, मुझे एक चीज़ थी कि मुझे जानना है कि तुम लोग के SSB कब हैं, ठीक है, मुझे डेट नहीं पता चल पाई, तो जिनका भी SSB का डेट आ गया है ना, वो एक बार नीचे कमेंट में बता देना, ताकि मैं उसी हिसाब से वीडियोज़ को प्लान करके दे सकूँ तुम लोग को, ओके। तो यार ऐसे ही लाइक कर देना, ठीक है, लाइक कर देना वीडियो, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, और सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना अगर ये वीडियो पसंद आया, कोई चीज़ छूट गई है तो बता देना, ऐसे ही सीरीज़ आएगी अभी, ठीक है, ये एक ही वीडियो नहीं होगा पर्सनल इंटरव्यू पे, मैं और भी इंटरेक्ट करूँगा आपसे, कैसे जवाब देना है, आज तो मैंने बताया कैसे क्वेश्चंस हैं, आगे मैं बताऊँगा कैसे सैम्पल आंसर्स होंगे इनके, ठीक है, हर चीज़ आएंगे। नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, और तब तक के लिए सपोर्ट करते रहना, सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए हम लोग वीडियो बनाते हैं, और तब तक के लिए यार ऑल द बेस्ट, दिस वॉज कौशिक श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ, थैंक यू।